नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ITC और एक्सिस बैंक दोनों का शेयर आज बहुत ही तेज गिरावट देखने मिला है। तो क्या है इस गिरावट के पीछे की वजह, तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट वजह है कि सेंटर इज लुकिंग टू रेज 12,000 करोड़ बाय सेलिंग इट्स स्टेक इन ITC एंड एक्सिस बैंक। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहता है कि ITC में और एक्सिस बैंक में अपना स्टेक सेल करें और 22,000 करोड़ यहाँ से वो फंड रेज करें, which it holds through the specified undertaking of the Unit Trust of India SUUTI in a bulk deal on the exchange पे। जो बल्क डील है उसके तहत वो इसमें इतना परसेंट का स्टेक रखता है। देखिए ITC में 7.94% का और एक्सिस बैंक में 4.69% का, तो इतना का स्टेक रखता है गवर्नमेंट ITC में और एक्सिस बैंक में। तो इसे सेल करना चाहती है और वो यहाँ से फंड रेज करना चाहती है, जिसका जो इन्वेस्टमेंट है इसमें 22,000 करोड़ का है गवर्नमेंट। तो वो अपना 22,000 करोड़ का यहाँ से स्टेक सेल करके फंड रेज करना चाहती है। तो आगे है, गवर्नमेंट में कंप्लीट द ट्रांजेक्शन बाय इन द ऑफ फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ मई। जो फर्स्ट और सेकेंड वीक है मई का, उसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकती है और यहाँ से अपना स्टेक बेच करके फंड रेज कर सकती है। और म्यूचुअल फंड हाउस और LIC एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। इसमें आशा किया जा रहा है कि LIC और जो म्यूचुअल फंड है वो इस ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट हो सकता है और ये जो ट्रांजेक्शन होगा मे बी 2-3% डिस्काउंट पर। The government wants to raise 2,10,000 crore from the sale of holdings in state-run-up companies. जो state-run-up companies है उनमें से सारे में अपने stake को वो क्या करेगी, सेल करेगी और वहाँ से 2,10,000 crore जो है फंड रेज करना चाहती है गवर्नमेंट। इसी के तहत वो ITC में और एक्सिस बैंक में दोनों में फंड रेज करने के लिए अपना स्टेक सेल कर है, जिसके कारण आपको ITC और एक्सिस बैंक के शेयर में भारी गिरावट देखने मिला है। देखिए 19,000 crore टू बी रेज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ए माइनॉरिटी स्टेक इन LIC थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड इक्विटी सेल इन IDBI बैंक। जो LIC है उसमें जो है IPO के जरिए जो गवर्नमेंट जो है वहाँ से फंड रेज करेगी और IDBI बैंक में जो अपना इक्विटी है उसको सेल कर करके 90,000 का जो है वहाँ से फंड रेज करेगी, मतलब दोनों मिला करके। तो इस तरह से देख सकते हैं, जो 2,10,000 करोड़ का फंड रेज करने का है उसमें से 90,000 यहाँ से होगा LIC और IDBI बैंक से और ITC और एक्सिस बैंक से 20,000 करोड़। इस तरह से कुल 2,10,000 करोड़ का फंड रेज करने वाली है जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है। आगे है SUUTI इन्वेस्टेड इन 51 कंपनीज। जो SUUTI है ये कुल 51 कंपनीज में इन्वेस्टेड है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों हमने आपको यहाँ दिया है इन्फॉर्मेशन के लिए, इसे आप देख सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट कंपनियाँ हैं जिसमें माइनॉरिटी या मेजोरिटी स्टेक रखता है SUUTI। तो अब हम बात करते हैं ITC और एक्सिस बैंक के शेयर की। ITC और एक्सिस बैंक के शेयर में देख सकते हैं ITC आज क्लोज हुआ है 164.95 रुपीज़ और कुल 8.95 रुपीज़ डाउन है आज शेयर और 5.15% देख सकते हैं डाउन है ITC इस न्यूज़ के चलते। जो हमारा गवर्नमेंट इसमें स्टेक अपना सेल करने जा रही है, इस न्यूज़ के कारण ITC में आज बहुत तेज़ गिरावट देखने मिला और इसी तरह से एक्सिस बैंक में भी गिरावट आया है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि आपको क्या करना चाहिए, तो इन बातों को भी चर्चा करेंगे। तो एक्सिस बैंक में देख लेते हैं, देखिए कितना आज जो है थोड़ा सा तेज़ी देखने मिला है एक्सिस बैंक में 4.50 रुपीज़ का, लेकिन इसमें पिछले दिन जो है गिरावट था इसमें भारी और आज इसमें तेज़ी देखने मिली है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो गवर्नमेंट स्टेक इसमें सेल कर रही है तो आपको इसमें किस प्रकार इन्वेस्ट करना चाहिए, किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो चलिए इन बातों को डिस्कस करते हैं। जैसे एक्सिस बैंक देख सकते हैं ये जो हमारा नीचे आया था कितना प्राइस तक, आप देख सकते हैं 325 रुपीज़ के आसपास ये आया था। तो आप जैसे इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता है, जैसे अब ये नीचे की ओर और जाता है प्राइस, तो आप इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें SIP मोड में, स्टॉक में SIP, म्यूचुअल फंड SIP भूल जाइए, स्टॉक में SIP मतलब होता है जैसे 10,000 इन्वेस्ट करना है आपको एक्सिस बैंक में, तो 2,000 एक बार करें, फिर गिरावट आता है तब 2,000 करें, इस तरह से SIP मोड में स्टॉक में इन्वेस्ट करें।
मतलब अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 5 भाग में डिवाइड कर दें और एक छोटा छोटा अमाउंट लगातार इन्वेस्ट करते रहें। जैसे जैसे गिरावट आता है, जैसे जैसे करेक्शन आता है, उसी तरह से ITC में करना है। जैसे इसमें पिछले बार जो ये आया था, देखते हैं 134 रुपीज़ तक, तो समझ सकते हैं जैसे मार्केट में करेक्शन आता है, गिरावट आता है, तो ये बहुत ही नीचे प्राइस तक जा सकता है। तो वैसे में आप इसमें भी SIP मोड में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे इसमें और थोड़ा सा करेक्शन आ जाता है तो आप इसमें एक अपना पहला इंस्टॉलमेंट लगाएंगे, फिर और करेक्शन आता है तो फिर और दूसरा इंस्टॉलमेंट लगाएंगे। इसी तरह से करेक्शन आते जाता है, आप इसको इसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे। कौन से प्राइस पे करना है तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है कि जैसे करेक्शन आता है, आज जैसे मार्केट में गिरावट नहीं थी, थोड़ी सी गिरावट हुआ, फिर थोड़ी सी तेज़ी देखने मिला, तो जिस दिन मार्केट में गिरावट आएगा, करेक्शन आएगा, तो इसमें भी करेक्शन आएगा निश्चित है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं न्यूज़ भी वैसा है जिसके कारण स्टॉक में गिरावट आएगी। तो जैसे गिरावट आता है तो आप अपना पहला इंस्टॉलमेंट लगाएंगे, फिर आप वेट करेंगे कि मार्केट में और ज़्यादा गिरावट आती है या स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगी यहाँ पर कि इस स्टॉक में और गिरावट आती है तो फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट लगाना है आपको। इस तरह से SIP मोड में आपको इन्वेस्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।